आरोग्य जागृति। आजकल कोरोना के डर से हम लोग खुद ही डॉक्टर बन गए हैं। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल पर जाकर अपने मर्जी से दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे सर दर्द, बुखार, खांसी। क्या आपको पता भी है कि ये कितना हानिकारक हो सकता है? हम जिस मेडिकल पर जा रहे हैं अक्सर देखते हैं वहाँ कोई लड़का आपको दवाइयाँ देता है। क्या उसे केमिस्ट की जानकारी है? क्या वो आपकी बीमारी को समझ पा रहा है? शायद नहीं। आप उसे कहते हैं सर में दर्द हो रहा है और वो गोलियां दे देता है। आपको सर दर्द से थोड़ी देर के लिए आराम तो मिल जाएगा, मगर ये सर दर्द किस कारण से हो रहा है, ये सवाल अभी भी कायम है। इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयां ले, अन्यथा इसके परिणाम बड़े गंभीर हो सकते हैं। इससे हमारी जान को खतरा भी हो सकता है, ये हमें बता रहे हैं बहुत ही सुलझे हुए डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी जी। आइए जरा सुनते हैं कितना हानिकारक होता है बिना प्रिस्क्रिप्शन अपने मर्जी से दवाइयाँ लेना। डॉक्टर साहब, जो काउंटर से मेडिसिन मन से लेते हैं और खाने के बाद क्या तकलीफ होती है, ये हमें जानकारी देंगे। देखिए, जो ओवर द काउंटर सेल जो मेडिसिन का होता है, तो वो पेशेंट खुद होके फार्मासिस्ट के पास जाके मेडिसिन लेता है। तो उसमें ज़्यादा करके ऐसी मेडिसिन रहते हैं जिसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, कि जैसे अगर टाइफाइड हुआ है और उसके वजह से आपको बुखार आया, तो आप जस्ट बुखार का दवा लेके बुखार को सप्रेस करते हैं। आपको सपोज ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और उसके वजह से सर दर्द हो रहा है, तो आप सिर्फ सर दर्द की दवा लेके सर दर्द को कम करते हैं। लेकिन उससे ना तो आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, ना कि आपका टाइफाइड क्यू ठीक होता है। तो ये जो सिम्टम्समैटिक ट्रीटमेंट जो हम खुद से करते हैं, तो वो बहुत गलत बात है, वैसा हमने करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक सिम्टम एक अपना मित्र है, ना कि अपना शत्रु है। सिम्टम से आपको तकलीफ होती है, जैसे कि सर दर्द होने से आपको पेन होता है, उससे आप रेस्टलेस हो जाते हैं, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने का बढ़ गया है वो आपको बताने का नेचर का एक तरीका है। जब आपको घुटने में कुछ प्रॉब्लम है और उसकी वजह से घुटने में तकलीफ हो रहा है, तो नेचर वो तकलीफ वो दर्द क्यों देता है? एक तो आपका अटेंशन जाता है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन है, वहाँ पे कुछ मार लगा हुआ है, वो अटेंशन खींचने का एक तरीका रहता है। और दूसरी बात ये रहती है कि नेचर को वो जो जिसको इन्फेक्शन हुआ है, जिसको मार लगा है, उसका रिपेयर करने के लिए उसको रेस्ट देना जरूरी रहता है। जब हमको दर्द होता है तो हम फिर घुटने पे चलते नहीं है, एक जगह बैठे रहते हैं, तो उसका रिपेयर वर्क ठीक से शुरू हो जाता है, इसलिए नेचर दर्द देता है। हमेशा मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कहाँ पे अगर ब्रिज कोलैप्स हो गया और उधर ट्रैफिक जाम हो गई, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देंगे, फिर जो जाम हुई है उसको निकाल देंगे, फिर वो ब्रिज का रिपेयरिंग वर्क शुरू हो जाता है। वैसे ही नेचर हमारे पेट में जब भी कोई तकलीफ होता है, तब पहले उधर का ट्रैफिक बंद कर देता है, तो हमारी भूख बंद कर देता है, खाने का मन नहीं करता है, ज़बरदस्ती खाने की कोशिश भी की तो उसको टेस्ट नहीं आता है। और जो ट्रैफिक अंदर जाम होके पड़ी है उसको वॉमिट करके बाहर निकाल देता है, ताकि अंदर का रिपेयरिंग वर्क शुरू हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, मेडिसिन शॉप में जाके भूख लगने की दवा लेते हैं, हम उल्टी बंद होने की दवा लेते हैं, तो ये अगेंस्ट नेचर है, अगेंस्ट हीलिंग प्रोसेस है। तो जब हमको पेट में गड़बड़ है और नेचर चाहती है कि अंदर हमने और ज़्यादा कुछ देना नहीं चाहिए, तो हमने नहीं लेना चाहिए। दवा लेके भूख लग के दवा लेके ज़्यादा अंदर खाना ठूसना नहीं चाहिए। तो हर एक सिम्टम अपने प्रोटेक्शन के लिए, आँख में कचरा जाता है तो पानी आता है, क्यों आता है? कि पानी से वो कचरा धुल जाए, इसलिए नेचर आँख में पानी छोड़ती है। मुँह में अगर तीखा खाया तो उसमें पानी आता है, क्यों आता है?
वो तीखापन को डाइल्यूट करने के लिए नेचर मुंह में पानी छोड़ देती है। तो हर एक सिम्टम अपने बेनिफिट के लिए, हमको अगर इन्फेक्शन हुआ तो बुखार क्यों आता है, तो नेचर क्या करती है, वो बुखार शरीर का टेम्परेचर बढ़ाने से जंतु को मारती है, इसलिए बुखार आता है। हम क्या करते हैं, बुखार कम होने की दवा लेके नेचर का जो मैकेनिज्म है अपना इन्फेक्शन कंट्रोल करने का, उसको सप्रेस कर देते हैं। नी में अगर पेन हुआ है, डैमेज हुआ है और दर्द हो रहा है, हमने अगर पेन किलर लेके वो नी पे चलते रहे तो नी और डैमेज होगी, नी को रेस्ट चाहिए। अगर हम उसको नी सपोर्ट लेके रेस्ट करने वाले और फिर दर्द की दवा ले रहे तो ठीक है, लेकिन दर्द की दवा लेके उसके ऊपर चलने वाले तो आपका नी और डैमेज होगा। आप अगर टाइफाइड हुआ है और बुखार हो गया उसकी वजह से, सिर्फ बुखार की दवा लेके घर पे बैठेंगे तो टाइफाइड अंतर बढ़ता जाएगा और वो बॉडी को और डैमेज करेगा, समझे ना। तो हर एक सिम्टम ये अपना वो मित्र है, उसके वजह से हमको समझता है कि बॉडी में कुछ तो गड़बड़ हुई है। जब तक क्यों गड़बड़ हुई है समझता नहीं है, तब तक सिर्फ सिम्टम को दबाना नहीं चाहिए दवा लेके, ताकि उसको और डिटेल में जाके जो बेसिक वजह है, जिसके वजह से बुखार आया, जिसके वजह से पेट में दर्द हो रहा है, जिसके वजह से उल्टी हो रही है, वो जब तक पता नहीं चलता है तब तक सिर्फ पेट का दर्द ना बंद करना चाहिए, ना वॉमिटिंग को बंद करना चाहिए। तो ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए ओवर द काउंटर जो सेल है, जो हम अपने मन से दवा लेते हैं, वो जब तक हम क्यों दवा ले रहे हैं वो पता नहीं है, तब तक लेना नहीं चाहिए। उसकी तज्ञ डॉक्टर से जांच करनी चाहिए, उसका सही कारण समझना चाहिए, और सही कारण का इलाज करते साथ साथ ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहिए। सपोज मुझे पता चला कि इनको बुखार और टाइफाइड की वजह से, तो टाइफाइड का ट्रीटमेंट देने के साथ बुखार का ट्रीटमेंट दिया तो चलता है, लेकिन टाइफाइड का इलाज किए बगैर सिर्फ बुखार का ट्रीटमेंट लिया तो वो बहुत गलत है। डॉक्टर प्रवीण सुरेन सर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, हम उनसे जानना चाहेंगे कोरोना और अब्डोमेन का क्या कनेक्शन है, क्या डिसीज़ हो सकती है। दर्शकों, हम कोरोना से हम आपको हमेशा आगाह करते हैं, कोरोना हुआ तो डरना नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट भी लेना ज़रूरी है। ऐसा है एक विषय हम जो डॉक्टर सुरेंद्र सर से करना चाहेंगे, क्या कोरोना और पेट का क्या कनेक्शन होता है, कौन सा डिसीज़ हो सकता है। कोरोना का एक बहुत अलग तरीका सिम्टम्स है, वो है कि तुम्हारी टेस्ट चली जाना और तुम्हारी भूख चली जाना, तो एक बहुत कॉमन सिम्टम्स है। तो उससे हमको पता चलता है कि स्मेल चला जाता है और टेस्ट, मुँह खाने का टेस्ट चला जाता है। उसके साथ साथ भी पेट में कभी कभी दर्द होना, जैसे से कोई भी वायरल इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैलता है तो पेट में भी फैलता है। तो जैसे मसल पेन होता है, हेडेक होता है, वैसे पेट में दर्द भी छोटे छोटे प्रमाण में कुछ पेशेंट में दिखने को मिलते हैं। लेकिन एक अलार्मिंग अभी एक पेट का प्रॉब्लम है कोरोना के पेशेंट में आ रहा है कि कोरोना में आपके जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्लॉट्स बन जाते हैं और उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्रेन अटैक भी आ सकता है, लंग्स में भी क्लॉट अटक जाते हैं, वैसे ही क्लॉट तुम्हारे हाथ में भी अटक सकते हैं। और वो क्लॉट और हाथ के नस में अटक जाने से एकदम पेट में ज़ोर से दर्द होना, उसमें हाथ सड़ जाना, हाथ में छेद होना, ऐसे भी हमको कुछ मरीज मिले हुए हैं। तो जब भी आपको कोरोना हो गया है और पहले एक महीने में हो के आप उसमें से ठीक हुए, तो कभी भी वो जो ब्लड के क्लॉट्स है वो हाथ में अटक के ज़ोर से पेट में दर्द होना, पेट फूल जाना, उल्टी होना, पेट में से गैस नहीं निकलना, ये सब लक्षण आपको दिख सकते हैं। तो ऐसा कभी भी होना तो आपने तज्ञ डॉक्टर के पास जाके उसका सही मायना करके इलाज करना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, डॉक्टर प्रवीण सुरेन साहब ने काफ़ी अच्छा हमें जानकारी दी है, जैसा कि काउंटर से जो मेडिसिन लेते हैं, अपने मन से जो दवाई खाते कितना घातक हो सकता है। कोई भी अगर आपको तकलीफ होती है तो पहला
सबसे पहला तज्ञ डॉक्टर से जानकारी लीजिए, उनके काउंसिलिंग के बाद, उनके निदान के बाद ही आप कोई मेडिसिन लीजिए। धन्यवाद।